हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की तिगड़ी बनती नजर आ रही है। सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा न सिर्फ एक साथ आए, बल्कि कुमारी शैलजा तो चुनावी घोषणा के मामले पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना भी साध दिया। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है कि हुड्डा विरोधी खेमे के एक साथ आने का क्या असर होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में दीपक बाबरिया ने जब से प्रदेश प्रभारी का पदभार संभाला, तब से प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और उभर कर सामने आ गई। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। पिछले दिनों तीनों नेता चंडीगढ़ में एक ही गाड़ी से जाते नजर आए। तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि कोई व्यक्ति अपनी रैलियों में पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी की योजनाओं की घोषणा कैसे कर सकता है। मैनिफेस्टो तो पार्टी के द्वारा तैयार किया जाता है। तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती है, उनको मैं भी करने लग जाऊं, लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रैलियों में चुनावी घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता बीबी बत्रा ने दो टूक जवाब दिया। बीबी बत्रा ने साफ कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा भी करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट हो रही है वो लागू हूँ। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विरोधी माना जाता है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म है कि हुड्डा विरोधी खेमे के एक साथ आने का आखिर क्या असर होने वाला है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन तीनों के साथ आने के पीछे आखिर वजह क्या है। इन तीनों नेता के साथ आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे सुरजेवाला, शैलजा और किरण साथ क्यों आए, क्या भूपेंद्र हुड्डा को कॉर्नर की प्लानिंग की जा रही है, या फिर संगठन के नाम, टिकट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर प्रेशर बनाने की तैयारी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।